चलाएगी। जी हां, आपने सही सुना, बेटी बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी, और इस बात की जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दी है। जीतू पटवारी के मुताबिक महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ ये अभियान होगा। इस मौके पर जीतू पटवारी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा, और बीजेपी ने भी एक अभियान चलाया था हरियाणा के पृष्ठभूमि से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उसे नाम दिया था, और अब कांग्रेस पार्टी बेटी बचाओ अभियान चलाएगी। और इसमें आरोप गंभीर ये लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जो आपराधिक वारदातें हैं वो बढ़ी हैं, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे चलाया जाएगा। ऊपर उठकर बेटी बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी लागू करेगी, कल हम इसका पूरा प्रोग्राम जारी करेंगे, और सरकार से अपेक्षा नहीं, मोहन सरकार इस लायक ही नहीं बची कि बेटियों की अस्मत बचा सके, उन्हें प्रचार करना, हरियाणा में सरकार बनानी, झारखंड में बातें करनी और झूठ बोलना। पूरी पार्टी के सभी नेता एक लाइन पे, झूठ बोलो, लोगों को भ्रमित करो और वोट लो, सरकार बना, बेटियों की अस्मत कौन बचाएगा, ये सवाल है, कांग्रेस अपना दायित्व निभाएगी। और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध चिंता का कारण है, और अब कांग्रेस पार्टी बेटी बचाओ अभियान चलाने की तैयारी में है। और ये कैसे धरातल पर उतरेगा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बीजेपी ने चलाया था, और कांग्रेस का ये बेटी बचाओ अभियान कैसे काम करेगा, इस बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, बेटी बचाओ अभियान कांग्रेस चलाने वाली है, क्या इसका लक्ष्य है, क्या इसके बारे में जानकारी है अपने पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार अत्याचार बढ़े हैं, दुष्कर्म के मामले जो हैं बेटियों के खिलाफ सामने आ रहे हैं, आप दूर मत जाइए, राजधानी भोपाल जहां पर पूरा प्रशासन होता है, पुलिस का मुख्यालय होता है, वहीं पर बीते 10 दिनों में बच्चों के साथ 3 बड़ी वारदातें, 5 साल की बच्ची उसके साथ रेप होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ रेप, 10वीं के छात्र के साथ यौन शोषण, इस तरीके के मामले अगर इतने फ्रिक्वेंटली सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल जो है वो खड़े होते हैं, और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इस तरीके की वारदातें जो अक्सर होती हुई आई है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आई, सरकार पर हमलावर नजर आई, और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐलान कर दिया है कि बेटियों को बचाने का एक अभियान जो है वो कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी, और उन्होंने अपील भी की है कि ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि आम लोग भी इस पूरे अभियान से जुड़े और पूरे मध्य प्रदेश में एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो शुरू करें, बीजेपी के खिलाफ एक अभियान जो है वो कांग्रेस ये पूरा शुरू करने वाली है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से इस पूरे अभियान को लेकर क्या कुछ SOP तैयार होती है, क्या कुछ गाइडलाइंस तैयार होती हैं, जिला बॉडीज को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, और कितना प्रभावशाली जो अभियान है वो आने वाले समय में नजर आता है। बहरहाल सियासत जरूर इस पूरे मामले पे जमकर होने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर अब इस पूरे मामले में डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने भी पलटवार किया है, और डिप्टी CM ने कहा कि बीजेपी की लोकप्रियता से कांग्रेस विचलित हो गई है। जगदीश देवड़ा ने यह भी कहा कि महिला के प्रति खिलाफ या अपराध जिस पर आरोपियों पर सरकार नकेल कसने का भी काम कर रही है, और आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। ये बौखलाहट है उनकी, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो बढ़ रहा है उसके कारण उनकी बौखलाहट है। मुझे लगता है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो लोग सब विचलित हैं, विचलित होने के बजाय उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि उन्होंने कहाँ कमियां रखी है, इसलिए तो उन जनता ने फैसला दिया है, वो खुद अपने गिरेबान में झांक करके देख ले कि जितने भी ये सब नेता थे कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता, इनको जनता ने क्या निर्णय दिया है। और